फ्रेंड्स वेलकम बैक दोस्तों, फिर से आ चुका हूं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर। सो दोस्तों, अगर आप लोग एक गेमर है एंड अंडर 20,000 एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों ने एक सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो दोस्तों, अगर हम लोग एक अंडर 20,000 एक बहुत ही बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल उसका प्रोसेसर तो सबसे ज्यादा तंगड़ा होना ही चाहिए। एंड अंडर 20,000 में दोस्तों यकीन मानिए 2024 में इतने अच्छे गेमिंग प्रोसेसर आ गए हैं ना। दोस्तों वीडियो का जरूर देखते रहिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों प्रोसेसर के साथ साथ जो सेकंड चीज आ जाती है वो हो जाता है हम लोग का डिस्प्ले। अगर दोस्तों डिस्प्ले अच्छा नहीं होगा तो दोस्तों बहुत ही लैग एक्सपीरियंस आएगा एंड दोस्तों बहुत ही डल एंड दोस्तों लो सेटिंग्स पर गेम खेलने में उतना ज्यादा मजा भी नहीं आता है। एंड दोस्तों और अगर बात करें जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो दोस्तों हो जाती है बैटरी लाइफ। अगर दोस्तों बैटरी लाइफ ही नहीं होगी तो दोस्तों हम लोग बहुत ही टाइम तक गेमिंग भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए आप लोगों के लिए टॉप 5 ऐसे बेस्ट स्मार्टफोन्स लेकर आया हूं ना, वो भी अंडर 20,000 में। तो दोस्तों ये आप लोगों की भयंकर गेमिंग करने में मदद करेंगे। चाहे आप लोग को फ्री फायर खेलना हो, BGMI खेलना हो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना हो या फिर दोस्तों आप लोगों को अमोंग अस ही क्यों खेलना हो। एंड दोस्तों यही चार गेम्स ही। और दोस्तों और भी आप लोग क्लाउड गेमिंग भी कर सकते हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी गेम्स खेल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि टॉप 5 ऐसे कौन से बेस्ट स्मार्टफोन है जो दोस्तों आप लोगों को 2024 में अंडर 20,000 में खरीदने चाहिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि दोस्तों यहां पर हम लोग गेमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर मैंने कैमरा को कंसीडर नहीं किया है। इसके बदले यहां पर हम लोग के बारे में बात करने वाले हैं। एंड दोस्तों यहां पर मैं एक बात आप लोगों को और बता देता हूं, कोई भी स्मार्टफोन उसके रैंकिंग के बेसिस पर डिसाइड नहीं किया गया है। आप लोग इसमें से कोई सा भी स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगर बात करें लिस्ट में नंबर 5th स्मार्टफोन के बारे में, तो दोस्तों यहां पर आ जाता है पोको X5 Qualcomm Snapdragon 695 5G के प्रोसेसर के साथ में आने वाला 8x256GB का आप लोगों को यहां पर वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh की बैटरी है, 33W की आप लोगों को यहां पर चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। 6.67 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। एंड दोस्तों अगर इसके GPU स्कोर की बात करें तो 3022 का आप लोगों को यहां पर GPU देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों अगर प्राइस रेंज की बात करें तो दोस्तों अंडर 15,000 में आप लोगों को ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, बात करें अगर 4th स्मार्टफोन के बारे में, तो दोस्तों ये तो हर चीज में इंक्लूड हो गया है, चाहे डिस्प्ले, डिजाइन, बैटरी, कैमरा के मामले में किसी में भी बात करूं। OnePlus Nord C3 Lite 5G Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर के साथ में आने वाला 8x256GB का आप लोगों को यहां पर वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh की बैटरी है, 67W चार्जिंग है, 6.72 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है। GPU स्कोर के बारे में बात करें तो 3022 का आप लोगों को सेम GPU स्कोर देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों ये आप लोगों को अंडर 20,000 में बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन बन सकता है। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, बात करें अगर लिस्ट में नंबर 3rd स्मार्टफोन के बारे में, तो दोस्तों यहां पर आ जाता है लावा अग्नि 2 MediaTek Dimensity 7050 प्रोसेसर के साथ में आने वाला 8x256GB का आप लोगों को ये वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। 4700 mAh की बैटरी, 66W चार्जिंग के साथ, 6.78 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले है। एंड दोस्तों अगर इसके GPU स्कोर के बारे में बात करें तो 3256 आप लोगों को यहां पर GPU स्कोर देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों ये स्मार्टफोन भी आप लोगों को अंडर 20,000 में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, बात करें अगर सेकंड स्मार्टफोन के बारे में, दोस्तों यहां पर आ जाता है Moto G54 MediaTek Dimensity 7020 प्रोसेसर के साथ में आने वाला। पर दोस्तों इसका रैम जो है 12x256GB का है। एंड दोस्तों बैटरी भी काफी ज्यादा है, 6000 mAh, 30W की चार्जिंग आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगी। 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है। 3744 का आप लोगों को यहां पर GPU स्कोर देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों अंडर 15,000 999 में आप लोगों को ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फर्स्ट स्मार्टफोन के बारे में। सो दोस्तों यहीं पर आ जाता है सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी M30। अंडर 20,000 में आप लोगों को यहां पर हाईएस्ट GPU स्कोर देखने को मिल जाएगा। एक्सिनोस 1280 प्रोसेसर के साथ 8x128GB वाला वेरिएंट है। 6000 mAh की बैटरी है, 25W की चार्जिंग, 6.5 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। एंड दोस्तों 4085 का आप लोगों को यहां पर भयंकर GPU स्कोर देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों इसकी प्राइस रेंज के बारे में बात करें तो दोस्तों आप लोगों को 8500 के अंडर देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों ये थे टॉप 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 20,000 के बारे में। यहां पर दोस्तों हम लोगों को जो मेन ध्यान देना है वो हो जाता है प्रोसेसर, बैटरी लाइफ एंड डिस्प्ले। सो दोस्तों यही थे टॉप 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 20,000 में। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वाली वीडियो जरूर पसंद आई होगी। एंड दोस्तों इन 5 स्मार्टफोन्स में से आप लोगों को बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं आप लोगों से ऐसी एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो।